कुमार खैर, आपका स्वागत करता हूँ। मैं महेश पाठक, दिल्ली से। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये ज्योतिष का विषय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम आपको राशियों के बारे में अभी जानकारी दे रहे हैं। मैंने अभी कन्या राशि के बारे में जानकारी दी थी, अब आपको मैं तुला राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि तुला राशि क्या है, इसका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, समाज में इसकी क्या स्थिति होती है और ये दूसरे लोगों पे किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, वो बेसिक प्रोग्राम अभी आपको दिखा रहे हैं उसमें हम, इसके बाद हम आपको लगन दिखाएंगे, लगन के बाद सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ग्रहों के बलाबल के बारे में बात करेंगे, ऊंच नीच के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपको हम नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। गोपाल परमार जी, आपका स्वागत है। आज आपको हम तुला राशि के बारे में बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने कि तुला राशि क्या होती है, कैसे होती है, समाज में उसका क्या स्थान होता है। इसके अंदर जो अक्षर आते हैं तुला राशि में, रा री रू रे रो ता ती तू ते, ये अक्षर होते हैं इस राशि के अंदर। यह राशि भी जैसे वृषभ राशि होती है शुक्र की, उस प्रकार ये राशि भी उसके साथ संबंध बनाती है। शुक्र अपने दीर्घाकार के कारण रेखाओं के संस पर भी अपना प्रभाव डालता है। बिल्लू भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार, राधे राधे। और इस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। केवल आकृति तथा अनुगुणों में अंतर है, आकाशमंडल में इसके विभाजन की जो आकृति है वो तराजू जैसी होती है। तो तराजू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बराबर करना, बैलेंस करना। तो मेरे हिसाब से ये जो राशि है ना, इतनी अच्छी राशि मानता हूँ उस तुला राशि को कि हर चीज़ को ये बराबर तोलती है, अच्छाई या बुराई। अच्छाई को बराबर तोलेगी और बुराई को बराबर तोलेगी। किसी के बारे में ये कोई धारणा बनाने से पहले उसका बैलेंस करते हैं, उसके बाद ही ये किसी के प्रति कोई भी धारणा बनाते हैं। हाँ रवि लवानिया जी, क्या हाल है, आपका स्वागत है भैया। आज तो आज राशि आपके लायक आ रही है, आप जरा ध्यान दे के सुने। आकाशमंडल में जो इसका विभाजन है, तराजू के समान इसकी आकृति इसलिए बनाई गई है कि ये हर चीज़ को बैलेंस करके आगे चलती है। ऐसा प्रतीत होता है माना दो बराबर बराबर के पड़ने वाली आकृति है। इस तराजू के कारण इस राशि का नाम तुला, तुला माने तराजू। राधे राधे जी, राधे राधे, रवि जी राधे राधे। इसका अंक भी वृषभ के समान सात होता है। चित्रा के तीन, चौथे चरण, स्वाति के चारों चरण तथा विशाखा के इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चरण इसमें शामिल होते हैं। इसका जो महाकार्तिक है वृषभ स्थिर राशि है और यह चर राशि है। फर्क है, विशेष जो स्थिर राशि है और जो तुला है वो चर। चर का मतलब होता है कि ये थोड़ा हर काम में थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, ये चाहते हैं हमारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए, इसलिए इसको चर राशि की संज्ञा दी गई है। इसका तत्व वृषभ से भिन्न है। आकाश में यह पृष्ठोदय नहीं है, यह शीर्षोदय राशि है। सुभाष संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुवल जी, सुवल संतोष जी, आपका आप आर्य अष्टो हैं और राधे राधे, मेरा भी आपको राधे राधे है, धन्यवाद जी, शुक्रिया। इसका जो लिंग है वो पुरुष है, दिशा पश्चिम है, निवास इसका स्थान बाजार हाट वगैरह होता है, क्योंकि तुला इसका चिन्ह है इसलिए। और ये जो है ना रंग बिरंगा है और द्विपद राशि है, शरीर में इसका जो स्थान है वो हमारे जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें हम इसको पत्नी का स्थान मानते हैं, जया जिसको हम कहते हैं, जया, जया जो स्थान है वो पत्नी का स्थान होता है, तो वहाँ पे इसका निवास है। और ये शरीर में जो हमारे में जो हमारी नाभि होती है, नाभि पे इसका रोहित गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। आज तो राशि आपकी आ रही है, आप थोड़ा ध्यान से सुने, स्वागत है आपका। तो इसकी जो शरीर में हमारे में जो इसका स्थान है वो हमारी नाभि होती है। कन्या राशि कमल का अधिपति करती है और ये जो राशि है ये अपनी नाभि का अधिपति करती है। स्वाद थोड़ा इसका अम्ल है, सौर मंडल में मंत्र से स्थापन रखते हैं ये। और इंद्रिय ज्ञान स्वाद है, आकार अष्टकोण है, जाति इसकी वैश्य राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र का वैज्ञानिक विवेचन वृषभ राशि में हम दे चुके हैं और उसके बारे में ज़्यादा विवेचना करना भी थोड़ा ठीक नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हमारी इसी चैनल पे।
इस राशि का जातक न्याय और आदर्श को बड़ा महत्व था। देखो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तुला राशि है, मैंने आपको बताया था अभी कि ये बैलेंस करके चलती है हर चीज़ को, और जो राशि बैलेंस करके चलती है वो बहुत अच्छी राशि मानता हूँ उसको मैं, तो ये भी उसी अच्छी राशि में आती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को तराजू के पल्ले पर तोलते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है, सही होती है, उसका ही ये समर्थन करते हैं, अदरवाइज ये करेंगे नहीं। इस राशि का जातक न्याय और आदर्श को बड़ा महत्व देता है, क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। धार्मिक परंपरा और समाज के रिवाजों को यह उल्लंघन नहीं करते हैं। इसका कद प्राय मध्यम होता है, ना ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। नाक नक्श व नक्शा भी मध्य स्तर का होता है, इनका जो नाक नक्शा होता है वो भी मध्य स्तर का होता है। बाकुपट बात बहुत करते हैं, बात करने वाले होते हैं। लड़ाड़ सुंदर आँखें बड़ी सौम्य होती है। इनका शरीर का जो निर्माण है वो संतुलित होता है, अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस नहीं होता। इनका शरीर ना मोटा होगा ना तुलतुला होगा, ना ही लंबे होंगे ना छोटे होंगे। जो शरीर का जो निर्माण परमात्मा ने किया है इस राशि वालों का, वो बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड है। इस राशि की स्त्रियां जो है बड़ी आकर्षक और बात बनाने की कला में बड़ी प्रवीण होती हैं। बात बनाने को बहुत बात बनाती हैं, और बात बनाने की जो क्रिया है इनकी बहुत तेज होती है। वर्णिक प्रवृत्ति के कारण, जो वैश्विक प्रवृत्ति के कारण, ये अपना स्वार्थ हर काम में देखते हैं। पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, उसके बाद ही आगे बात करेंगे। बिना नाप तोल किए ना ही कोई काम करेंगे और ना ही कोई कदम उठाएंगे। इनका हर क्रियाकलाप नपातला होता है, समझ रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि तुला राशि है, बैलेंस करके चलते, वही बात आपके सामने बार बार आ रही है। इनका जो हर क्रियाकलाप है वो नपातला होता है, बड़ी ही सरलता से आदमी को तोल लेते हैं, और उसके भीतर क्या है मनुष्य के पहचान लेने में यह बहुत पारखी होते हैं। बात श्रेष्ठ स्वभाव से करते हैं। इस राशि की स्त्रियों में धार्मिक प्रवृत्ति बहुत होती है। यह स्त्री पुरुष दोनों शांत एवं मृदु स्वभाव के होते हैं। यह कल्पनाशील नहीं होते हैं। कुछ राशि ऐसी होती है जो इमोशनल होती हैं, कल्पनाशील होती हैं, हवाई घोड़े पर चलते हैं, ये ऐसी राशि नहीं है, और ना ही ये लोग हवाई के लिए बनाते हैं। एकदम ठोस और सादा व्यवहार से कार्य करते हैं, अपना काम समय पर करते हैं, और समय के ये बहुत बड़े पाबंद होते हैं। इस राशि वालों को जो दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, अगर पुरुष तुला राशि है तो बड़ा संतुलित होता है, और अगर पति की तुला राशि नहीं है, पत्नी की है, तो वो भरसक अपना दाम्पत्य जीवन संतुलित रखने की चेष्टा करती है। वो चाहती है मेरा जो पारिवारिक जीवन है बिल्कुल एकदम बैलेंस होके चले। जितना उससे हो सकेगा वो करेगी, और पति उसकी सलाह मानेगा तो अवश्य ही दाम्पत्य को प्राप्त करके रहेगा, अन्यथा नहीं। पति जो तुला राशि की स्त्रियाँ होती हैं, उनके पति अगर उसकी बात मानेंगे तो उनको पूरा पारिवारिक सुख ये पत्नी देगी, नहीं है तो नहीं देगी। न पातुला दाम्पत्य जीवन, न ज़्यादा प्यार, न ज़्यादा प्रगाढ़ता, और नहीं अति मनमुटाव, और न पातुला समुचित शोचनीय सेक्स और बीमारी तथा संतुलित परिवार इस व्यक्ति का होता है। एक प्रकार से इस राशि के लोग आदर्श दंपति होते हैं। संतान में एकदम परिवार नियोजन का पालन करते हैं, बड़ा ही संतुलित परिवार होता है। इस रूप में तुला राशि के पुरुष अत्यंत भाग्यवान होते हैं। इस राशि के व्यक्ति वृष राशि से संबंधित जीविका के साधन अपनाते हैं, पर इनमें और वृष राशि में एक अंतर होता है। इसका कारण है इस राशि का अपना तुला स्वभाव होना। तुला स्वभाव के कारण वह सब काम खास तौर से व्यापार जोर शोर से करता है। वह अपने व्यापार के कार्य में सफल भी होता है, अपने कार्य को समय पर और निश्चित ढंग से करने में निपुण होता है। न्यायालय के कामों में जो ऐसे जातक हैं वो बड़ी निष्पक्षता दिखाते हैं, और सही निर्णय देने में नाम कमाते हैं। इसका रंग बिरंगा है, नाना प्रकार के सभी रंग, विशेष रूप से नीला और सफ़ेद रत्न का हीरा है, और इसके लिए आप ओपल भी पहन सकते हैं और हीरा भी पहन सकते हैं। और इसको जो मैन है, अगर किसी ने पुखराज धारण करना है तो वो इसके लिए सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं। इस राशि के जो जातक हैं वो जो स्वास्थ्य उनका सामान्यतः ठीक रहता है। मिर्गी, नेत्र, गुप्त रोग, मूत्र रोग, कामुकता, क्योंकि ये प्रतिनिधि हाँ नाभि का करते हैं, इसलिए कामुकता, मधुमेह, गर्दे से संबंधित रोग हो जाया करते हैं। इसके बावजूद यह रोग से शीघ्र मुक्ति भी पा जाते हैं। इस राशि के जातक का तीनों काल में बचपन, यौवन, वृद्धावस्था सामान्यतः ठीक रहते हैं। इतना आवश्यक इस राशि के व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं और इन्हें सफलताएं मिलती है। जीवन में अधिकांश सफलतम पुरुषों की राशि तुलाई होती है। तो मित्रों, ये तुला राशि का आपका आज मैंने विशेषण आपको बताया है कि तुला राशि का आचार विचार व्यवहार सामाजिक जो नाप तोल का इनका एक बैलेंस करने का तरीका होता है वो क्या होता है। आज इतना ही। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आप उस चैनल पर जाइए,
हमारी वीडियो देखिए, उन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें आपके जो भी सुझाव होंगे हम उनको पूरा मान देते हुए आपके सुझावों को अगले वीडियो में प्रकाशित भी करेंगे और आपको जो सुझाव आप हमें दे रहे हैं उस सुझाव का अमल भी करेंगे। अगर इस तुला राशि के जो मैंने आपको विश्लेषण किया है वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर फिर भी कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और जो मेरे जिज्ञासु हैं या जो मेरे सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत बोला है तो इसके लिए मुझे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आज तुला राशि के बारे में इतना ही। राधे राधे। वो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।